Hey guys, good morning from Bangkok again. So if you don't know, हमारा जो जर्नी है थाईलैंड का वो स्टार्ट हुआ था बैंकॉक से. हमने लैंड किया था बैंकॉक में एंड कुछ दिन, दो दिन हमने बैंकॉक एक्सप्लोर किया था. एंड उसके बाद हम हुआहिन गए, हुआहिन से फिर हम गए फुकेट एंड फुकेट से वापस हम आ गए हैं बैंकॉक. तो ये वाला जो ब्लॉग है ये पूरा होने वाला है कि हमारी जर्नी जो है वो बैंकॉक से लेके खोखुद आइलैंड तक कैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. एंड एक्चुअली हमारी जर्नी जो है फुकेट से लेके खोखुद आइलैंड तक की होने वाली है. तो मैं प्रीवियस ब्लॉग में मैंने बताया है कि हम लोग फुकेट से जो है वो बैंकॉक निकल गए हैं. तो अभी हम लोग बैंकॉक में हैं एंड यहाँ से हम जाने वाले हैं ट्रैक. यहाँ से जो है 4500 हमें कॉस्ट कर रहा था लैम सोक पियर तक, जो फेरी पॉइंट है जहाँ से हमें खोखुद के लिए फेरी मिलती है. बट हमने चेक किया इन ड्राइव एप्लीकेशन पे एंड वहाँ पे हमें 2500 में ही टैक्सी मिल रही थी, तो वो चीप थी. तो अगर आप डायरेक्टली टैक्सी करते हो तो आप 4500 जो आपको ऑनलाइन दिखाएंगे बहुत सारे वेबसाइट पे, वहाँ से बिल्कुल बुक मत करना. आप सबसे अच्छा काम यही है कि आप इन ड्राइव एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्टली आप बुक कर लेना कैब यहाँ से लेके खोखुद का जो पियर है वहाँ तक, लैम सोक तक. तो फिलहाल अभी हम लोग कन्फ्यूज है, सोच रहे हैं कि क्या करें. हम लोग के पास 3 दिन का ऑलरेडी स्टे बुकड है खोखुद आइलैंड पे. हम सोच रहे हैं कि यहाँ से बस ले ले जो कि 9:30 बजे हमें ट्राट पहुँचाएगी, बट हमें पहुँचना किधर है, लैम सोक. तो लैम सोक के और ट्राट बस टर्मिनल के बीच जो गैप होगा ना, उस बीच हमारी फेरी निकल जाएगी, क्योंकि 2:20 को हमारी फेरी लास्ट है. हाँ, जो निकल जो जाएगी फेरी है ना, वो एक फेरी है 10:40 के आसपास मॉर्निंग में एंड सेकंड फेरी है 2:20 के आसपास. तो ये सिर्फ दो ही फेरी चलती है जो है लैम सोक से खोखुद आइलैंड के लिए. तो अगर वो मिस हो जाती है तो आपको स्टे करना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे की फेरी के लिए. देयर आर ऑल्सो अदर ऑप्शन. बूनसिरी करके वेबसाइट है जो आपको बैंकॉक से लेके पूरा आपके रिसोर्ट खोखुद तक का पूरा जर्नी कवर करती है विद द फेरी विद द बस. तो वो वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, हमने यहाँ मेंशन किया है. अगर आपको डायरेक्ट जाना है हमारी तरह ऐसे बजट ट्रैवल या फिर ऐसे स्ट्रगल नहीं करना है तो दैट इज़ वन ऑप्शन. अभी देखो हम लोग ना थोड़ा घाई में, तो लेट्स गो एंड चेकआउट कि हम अभी क्या करने वाले हैं, खुद ही हमें पता नहीं है. हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली तो हम लोग बस बुक करने वाले हैं. यहाँ से 9:30 बजे की बस है त्राट के लिए. अभी हम लोग फिलहाल है मोचित पे. मोचित बस टर्मिनल जो है बैंकॉक का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है. यहाँ से आपको हर एक जगह के लिए ऑलमोस्ट बस मिल जाएगी. तो हम लोग यहाँ से अभी टिकट बुक करने वाले हैं ट्राट के लिए. ट्राट में मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग स्टे करने वाले हैं. तो अगर आपको ट्राट जाना है तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे बस स्टेशन पे, सामने 32 नंबर काउंटर दिखेगा. यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्राट के लिए बस जो कि 288 भाग में है. और भी बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ से अलग अलग लोकेशन के लिए बस जाती है. इवन अंदर भी काउंटर है जहाँ से भी अलग अलग लोकेशन के लिए बस जाती है. तो आप एक बार अंदर और बाहर आप चेक कर सकते हो. आपको जहाँ भी जाना है आपको इजीली यहाँ से बस मिल जाएगी. सो गाइस, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया. हमने ऑलरेडी हमारी बस बुक कर ली है एंड 9:30 की बस पकड़ के हम लोग निकल रहे हैं त्राट के लिए. बस पकड़ने के पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, फिर कल दोपहर से हम भूखे हैं. हमने सिर्फ लेज वगैरह पे सरवाइव किया है और थोड़ा सा फैंटा पिया था, दैट्स इट. तो मैंने थोड़ा फ्रूट्स लिया है और ये लग तो है गुआवा नहीं, पहले मुझे लगा गुआवा है, खुशबू आ रही थी. पर फिर इसके साथ ये क्यों दिया है, हम लोग गुआवा के साथ सही है वाला मिर्ची. मैंने चीज टोस्ट लिया. मैंने भाई को 4 बार पूछा, भाई ये वेज है ना, तो उसने कंटेंट चेक किया क्योंकि वो भी यहाँ के लैंग्वेज में लिखा होता है. तो ये टोस्ट कर रहा हूँ मैं भी उसको. एंड यहाँ पे 7-Eleven में बस 2-3 चीज़ें हैं हमारे खाने लायक, उसमें से एक है ये चीज़ टोस्ट एंड और दूसरा है लेस और चॉकलेट्स. आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारा स्टॉप है एंड हम लोग को जहाँ पे जाना है वो 111 है. तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सारी बसेस यहाँ से निकलती हैं एंड कितने सारे लोकेशंस के लिए ऑलमोस्ट आप थाईलैंड का हर एक कोना यहाँ से जा सकते हो. और ये सबसे चीप वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे थाईलैंड में. अगर आप फ्लाइट करते हो या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट बस जो है वो सबसे सस्ता पड़ता है यहाँ पे थाईलैंड में. तो मेक श्योर करना, आप एक बार चेक कर लो वेबसाइट पे या कहीं पे, अगर आपका कोई लोकेशन जहाँ पे आपको जाना हो यहाँ से अगर आपको बस मिल जा रही है तो वो सबसे अच्छा एंड सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन होगा. कोचेंग इज द फर्स्ट आइलैंड देन खोखुद. सो अभी हम लोग को एक सर मिले हैं जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से एंड ये 8वीं बार थाईलैंड आए हैं, 8th टाइम है. इन्होंने हर एक कोना एक्सप्लोर किया हुआ थाईलैंड का. अभी हम लोग इनसे बात कर रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि हमें कहाँ ट्रैवल करना चाहिए. और एंड ये डेनमार्क से हैं. अभी ये जा रहे हैं कोचेंग जो कि खोखुद के पहले एक आइलैंड पड़ता है वहाँ पे.
एंड दिस इज द बस एंड हम रेडी हो गए हैं. इसमें भी अच्छा खासा लेग स्पेस है एंड लकीली दिस टाइम वी हैव द सेकंड सीट. आगे पहला दूसरा एंड बस अभी एम्प्टी है, ज़्यादा लोग हैं नहीं. तो मैंने अपना लैपटॉप बैग यहाँ साइड में रख दिया है एंड अभी निकल रहे हैं हम स्टार्ट के लिए. एंड लेट द जर्नी बिगिन. अभी हम लोग चेतनपुरी एक स्टॉप है जो लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे के बाद आया. वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे. पूरी बस खाली हो चुकी है, आप देख सकते हो पीछे तक कोई भी नहीं है. टोटल 1, 2, 3, 4 पैसेंजर है टोटल टाट के लिए. यहाँ से भी कोई नहीं चढ़ा चेतनपुरी से. एंड यहाँ से हमारा जो बस स्टॉप है वो लगभग 1 घंटा दूर है एंड हमें उतरना है ट्राट बस टर्मिनल पे. एंड वहाँ से लैमसोक जो है जहाँ से हमें फेरी लेनी है वो लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है. तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बुकिंग करने का कोई होटल जो हमें ट्राट बस टर्मिनल के पास मिल जाए एंड फिर वहाँ हम लोग आज रुकेंगे. एंड कल सुबह 10:40 की शायद जो फेरी है उसको लेके हम कोकुद के लिए निकल जाएंगे. नो बोट नाउ कोकुद. नो बोट टुमारो एट व्हाट टाइम? टुमारो होगा 10:45. ओके सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे बस स्टॉप के बस टर्मिनल पे एंड अभी यहां से हम लोग हमारे होटल में चेक इन करेंगे. आज तो फेरी मिलेगी नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं. 2:20 की लास्ट फेरी थी. तो आज हम लोग यहां पे होटल में ओवरनाइट स्टे करेंगे एंड कल जो है हम लोग निकलेंगे बोनसरी फेरी से कोकुद आइलैंड के लिए. यहाँ पे एक चीज़ है, हम लोग 3 लोग ही बस से उतरे जिसमें से हम 2 लोग तो यहाँ के हैं नहीं, हम लोग फॉरेनर्स हैं. एंड बाकी दूर दूर तक मुझे यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा है हमारे अलावा. तो अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे टूरिस्ट है ही नहीं कोई, हम लोग ही टूरिस्ट है और सब लोग हमें ही देख रहे हैं. मैं ब्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा है. अभी हम लोग यहाँ पे एक फूड सेंटर दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पे अगर हमारे लिए कोई वेज ऑप्शन मिला तो यहाँ पे थोड़ी पेट पूजा की जाएगी. दिख रहा है कुछ वेज ऑप्शन वगैरह? ये इतनी भूखी रहो तो चक्कर आ रहा है. ये क्या है? ये कोकोनट वाला वेज लग रहा है मुझे. कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है. ये वेज लग रहा है, मैंने भी नहीं खाया ये. और यहाँ पे डिफ़िकल्ट भी होगा हमारे लिए सरवाइव करना क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, 7-Eleven नहीं है. तो जो लोकल्स का रेस्टोरेंट है उसी में हमें कुछ ना कुछ ट्राई करना होगा. एंड कल कोकुद में हमारा जहाँ पे रिसोर्ट है वहाँ पे भाई से हमने बात कर रखा है तो जो शेफ़ है वो वेजिटेरियन फूड बना सकते हैं तो शायद वहाँ पे हमें ठीक ठाक खाना मिल जाए. बट अभी यहाँ पे बहुत मुश्किल है और कल से हमने लिटरली बस स्नैक्स पे हम लोग जिंदा हैं तो थोड़ा हैवी खाना अभी चाहिए हमें. हम ढूंढ रहे हैं, अभी कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा. दिस इज एग भाई, पिंक एग. गुलाबी अंडा है भाई, इधर गुलाबी पहली बार देखा मैंने. सतरंगी अंडे भी हैं यहाँ पे. गाइज आवर फूड इज हियर एंड आप देख सकते हो ये सिर्फ वेजिटेबल्स है ऊपर एंड राइस है. खाने का तो मन नहीं हो रहा है बट स्टिल अभी वी डोंट हैव एनी ऑप्शन तो हमें यही खाना होगा. तो हम लोग ये वाले टुक टुक में जा रहे हैं. यहाँ पे जहाँ भी जाओगे आपको अलग अलग टाइप की टुक टुक मिलेगी. इस जगह पे ये क्योंकि रूरल एरिया है तो यहाँ पे टुक टुक थोड़ा अलग कलर का है, ब्लू कलर का है. बाकी जगह पे और अलग अलग कलर के थे एंड सबका सेम ही कॉन्सेप्ट है. एक पिकअप है, उसको पीछे जो है बैठने के लिए स्पेस बना दिया है. हमारे हाइट का भी नहीं है, सिर लग रहा है. आगे जा रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हमारे होटल के लिए जो कि लगभग 2 किलोमीटर है यहाँ से, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं 80 बात. दिस इज आवर गेस्ट हाउस फॉर टुडे. लुक्स गुड बाहर से तो, अंदर से जाके देखते हैं कैसा है ये. मस्त रूम है एकदम, एसी भी है, एकदम साफ सुथरा. तो अभी मैं आया था क्रूम भाई बैंक में यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करने. वैसे मेरे पास लगभग 5,000 समथिंग थाई बात पड़े हुए थे बट स्टिल मुझे $100 और एक्सचेंज कराना था क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. मैं एक आइलैंड पे जा रहा हूँ और यहाँ पे कहीं पे ना क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब क्योंकि मैं एक रूरल एरिया में हूँ तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बहुत कम चल रहा है. इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अमाउंट तो अपने पास होना चाहिए, तो वैसे मैं आके एक्सचेंज करा लिया यहाँ से और मुझे अच्छा रेट मिला, लगभग
35.46 एक डॉलर के ऊपर, मतलब मैंने $100 चेंज कराया तो मुझे 3,546 पड़ा, और नॉर्मली $100 का जो रेट अभी चल रहा है वो 3,586, तो 30 बात कम मिला, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन मैं और कहीं पे चेंज कराता तो मुझे इतना अच्छा रेट नहीं मिलता, अभी तक का सबसे अच्छा रेट मुझे इस जगह पे मिला है करेंसी एक्सचेंज कराने पे। सो अभी बहुत सारा मशक्कत करने के बाद मैंने खाया एक नूडल्स, वेजिटेबल नूडल्स, वो भी बहुत मुश्किल से मिला 7-Eleven में, एंड माही ने लिया एक राइस, सोयाबीन वाला राइस, एंड मैं अभी लेके आया हूँ चीटोज और कोई एक फ्लेवर और है, दो मैंने वेफर्स के पैकेट लिए हैं, एंड अभी यही होने वाला है हमारा डिनर, एंड सुबह उठ के फिर 9:30 बजे यहाँ पे टैक्सी आ जाएगी, हमने ऑलरेडी बुक कर ली है, एंड वो हमें छोड़ देगी वहाँ पे लैम्सोक में, एंड वहाँ से हम निकल जाएंगे खोकुद आइलैंड के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8 बज रहे हैं, एंड ये देखो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी तो फ़िलहाल कम हुई है बट सुबह से ही बारिश हो रही है, एंड अभी हम लोग श्योर नहीं हम लोग जाएंगे कैसे फैल के, और मौसम अभी पूरा ऐसा डार्क है, मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी बारिश रुकने वाली है। सो गाइस वी आर हियर एट द बोनसिरी ऑफिस, एंड यहाँ से हम लोग की फेरी है टू द खोकुद आइलैंड, एंड यहाँ से लगभग 1 घंटे लगेंगे हमें खोकुद पहुँचने के लिए, एंड 10:45 की फेरी हम लोग ले रहे हैं, एंड जिसका फेयर है 605 baht पर पर्सन, तो लगभग 1200-1300 के आसपास इंडियन रुपीज में आपको खोकुद आइलैंड पर पर्सन खोकुद आइलैंड पे आपको छोड़ देंगे, एंड रिटर्न का जो है लगभग 3 बजे की फेरी, आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो bonesiriferry.com, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे दूंगा वेबसाइट का, तो वहाँ पे आप पूरा टाइमिंग चेकआउट कर सकते हो, वो यहाँ से कहाँ कहाँ तक कौन से कोमाक आइलैंड पे भी लेके जाते हैं और पोचैंग पे भी लेके जाते हैं, तो सारे चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो उनके वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Your name and telephone number, please. Okay, sir, tickets today are around 10:20. We have shuttle bus, then you can appear. And then you can read on the t-shirt. For person, we will call on this number. Okay, got it. Thank you so much. अभी एक सीन हो गया मेरे साथ, मैं यहाँ से उतर रहा था और ये जो ना मूव हो रहा है बिना पानी ऐसा मूव हो रहा है, हिल रहा है, तो बोट भी मूव हो रही है और उस वजह से वो जो लेटर है वो भी मूव हो रहा है, तो मैं चल के आ रहा था और मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये मेरे सिर पे लग गया, और मेरे सिर पे ना यहाँ पे भी चश्मा पहन रखा था, वो चश्मा टूट गया, और वो मेरा फेवरेट चश्मा था यार, माही का भी ऑलरेडी एक चश्मा गिर के बाइक से टूट गया और मेरा भी एक चश्मा गिर के टूट गया, तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो फेवरेट फ्रेम था मेरा, एंड यहाँ पे नीचे भी बैठने के लिए स्पेस है इस पे, एंड ऊपर भी बैठने के लिए स्पेस है, तो अभी हम लोग फिलहाल ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से थोड़ा व्यू मिलेगा, अच्छा लगेगा, अंदर एसी है बट एसी की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मौसम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ऊपर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, साइड से बारिश आ रही है, तो हम लोग ना वहाँ पे आगे जाके बैठ गए, वहाँ पे माही है देख सकते हो, आगे जाके बैठ गए, तो वहाँ पे थोड़ा शेड है। अभी चुपचाप से हम लोग नीचे आ गए हैं क्योंकि राहुल को जो है वो मोशन सिकनेस होने लगा है, क्योंकि जो नाव है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे डपा डुप हो रही है, और वैसे तो मुझे ऊपर अच्छा लगता है दैन एन एनक्लोज्ड एरिया, क्योंकि एनक्लोज्ड है तो ऐसे लगता है वो मूवमेंट का हवा नहीं आ रहा है फेस पे, तो फिर और वॉमिट जैसा होता है, और थोड़ा मुझे डर लग रहा था, ऊपर बहुत वेव्स दिख रहे थे, ज़ोर ज़ोर से ये बाउंस हो रहा था ऊपर नीचे शिप, बारिश हो भी सकती है, एंड अभी हम लोगों यहाँ से जो है बस यहाँ
कंपलसरी कि बस हमें हमारे रिसॉर्ट तक भी छोड़ देगी, तो वो टिकट में ही इंक्लूडेड होता है। मतलब आप टिकट जब परचेस करते हो तो फेरी के साथ साथ आपका जो रिसॉर्ट है वो वहाँ से पूछते हैं आपसे टिकट निकालने टाइम कि कौन सा रिसॉर्ट है, वो रिसॉर्ट पे आपको यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप कर देंगे। सो वी आर फाइनली हियर एट द रेस्ट सी रिसॉर्ट एंड हम लोग का यहाँ पे चेक इन जो है वो कल का था, बट कल हम लोग, आपने जैसा कि देखा, हम लोग लेट पहुँचे और फेरी वहाँ से निकल चुकी थी 2:45 की, जो लास्ट फेरी थी 2:40 या 2:45 की, वो हमने मिस कर ली, तो हमने जो नाइट वो त्राट में बिताई एंड अभी हम लोग आ गए आज और कल हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं रेस्ट सी रिसॉर्ट में। एंड अगर हमने एक्सप्लोर कर लिया ये 2 दिन में पूरा आइलैंड तो हम यहाँ से चेकआउट कर देंगे, वरना हम एक और प्रॉपर्टी है वहाँ पे हमने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है तो हम लोग वहाँ पे चेक इन कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे चलते हैं, अगला व्लॉग आप देखना, अगला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम लोग उस व्लॉग में बताएंगे कि इस खोखुद आइलैंड पे आप क्या क्या कर सकते हो एंड सारी एक्टिविटीज़ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए आप अगला व्लॉग ज़रूर चेकआउट करना एंड इसी के साथ ये व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स। पीस आउट।